हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली दो तीन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि आज 16th ऑफ अक्टूबर है, तो क्या आज नीट पीजी 2024 काउंसलिंग स्केड्यूल, ऑफिशियल स्केड्यूल पब्लिश होगी या नहीं होगी। उस पर लेकर के स्टेटमेंट्स भी आए हुए UDFA प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्य मित्तल की तरफ से, तो आखिर वो कब आ सकती है। एट द सेम टाइम कोर्ट केस को लेकर के क्या अपडेट है फिलहाल, अभी तक के लिए कोर्ट केस जो कि लिस्टेड है 25th ऑफ अक्टूबर के लिए, उसे लेकर के क्या अपडेट है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इस बार जो हमने मार्केट एनालिसिस की है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें निकल के आ रही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स INICET और जो नीट पीजी 2025 है उसके वजह से, और जो काउंसलिंग डिले हो रही है उस वजह से ड्रॉप लेने का मन बना रहे हैं। तो जो INICET 2025 की जनवरी सेशन होने वाली है, उसमें टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स क्या आई है उसको कंपैरिजन करके देखेंगे कि 2024 की जनवरी सेशन या जुलाई सेशन से वो कितनी कम है, कौन से ब्रांचेस में, और कितनी ज़्यादा है। सो एक थोड़ा सा जो है INICET के ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आ जाते हैं कि अभी फिलहाल करंट स्टेटस क्या है। 16th ऑफ अक्टूबर है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लक्ष्य मित्तल, हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UDFA। उनके तरफ से ऑन 14th ऑफ अक्टूबर को ये स्टेटमेंट दी गई थी दैट UDFA एंड MCC हैड देयर मीटिंग्स, उनके बीच में मीटिंग्स हुई थी, और उस मीटिंग में ये चीज़ें निकल के आई है दैट MCC हैज सेड कि विद इन 2 to 3 days वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल स्केड्यूल पब्लिश कर देंगे नीट पीजी 2024 MCC काउंसलिंग की। नाउ इट्स 16 टुडे, ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं, और स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग कि आज इसका कुछ हो सकता है ऑफिशियल स्केड्यूल आए आज या कल में। तो ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आज या कल तक में 16th या 17th तक में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू UDFA प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्य मित्तल उनके हिसाब से। बट ये चीज़ें कभी भी श्योर नहीं होती है, कभी भी गारंटीड नहीं होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आज ही आएगी या कल ही आएगी। जब ये MCC की तरफ से बोला गया है कि 2 से 3 दिन में आ सकती है, तो हो सकता है उसको 4 दिन भी लग जाए, हो सकता है उसको 5 दिन भी लग जाए। ये ज़रूर है कि अगर ये स्टेटमेंट दी गई है उनकी तरफ से, तो अब जो है वो कभी भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, 17th को भी आ सकती है, 18th को भी आ सकती है। तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर होने की ज़रूरत नहीं है कि आज ही आएगी, इसे लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर होने की ज़रूरत नहीं है। वो आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, 18th को भी आ सकती है, 19th को भी हो सकता है आ जाए। नाउ अब क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हम लोग ऑलमोस्ट श्योर हो चुके हैं कि कोर्ट केस के वजह से ही कहीं ना कहीं चीज़ें फंसी हुई है, रुकी हुई है, और कोर्ट केस जो दशहरा के पहले जब कोर्ट की डेट पड़ी थी, जब छुट्टियां पड़ी थी, तो जो कोर्ट केस कंप्यूटर जनरेटेड डेट रखी गई थी वो 25th ऑफ अक्टूबर की रखी गई थी। नाउ 25th ऑफ अक्टूबर को अर्जेंसी मैटर की अर्जेंसी को देखते हुए इसे प्रीपॉन किया जा सकता था, बट दशहरा के बाद एक बार फिर से जब अब सुप्रीम कोर्ट ओपन हुई है तो उनके पास ऑलरेडी दे हैव लॉट ऑफ केसेस, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, पाइल्स ऑफ केसेस हैं, जिस वजह से ये इस केस को जो नीट पीजी 2024 की जो केस है उसे 25th अक्टूबर को जो डेट पड़ी उससे पहले प्रीपॉन्ड करने की जो आशंका है, वो जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। नाउ ऑलमोस्ट श्योर है कि 25th को ही नीट पीजी 2024 काउंसलिंग वाली जो केस है उसे सुना जाएगा, उसकी हियरिंग होगी। सो इसे लेकर के फिलहाल अपडेट ये है कि एडवोकेट की तरफ से ट्राई किया गया था कि मैटर को थोड़ा पहले पिटिशनर की तरफ से भी ट्राई किया गया था कि मैटर को थोड़ा रिपॉन्ड किया जाए मैटर की एजेंसी को देखते हुए, बट क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और जो कोर्ट केस जो लिस्टिंग है 25th की वो अब 25th को ही सुना जाएगा। ये कोर्ट केस की अपडेट है। अब अगर हम आज जाएं तो INICET की टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स 2025 की जनवरी सेशन की पब्लिश की गई थी। नाउ दिस इज टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, बट इसे हम 2024 की जनवरी सेशन और 2024 की जुलाई सेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 2025 की जो जनवरी सेशन की सीट मैट्रिक्स है उसमें कौन से क्लिनिकल ब्रांचेस में कितनी सीट्स बढ़ी है या कम हुई है अकॉर्डिंग टू दिस टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स। हालांकि फाइनल ये अभी नहीं आई है, जैसे जैसे हम INICET की
और आगे बढ़ेंगे, काउंसलिंग की ओर बढ़ेंगे, तो इन सीट मैट्रिक में थोड़े चेंजेस भी आएंगे। बट फिर भी अभी जो हमारे पास रिलीज की गई है ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स, विच इज जस्ट अ टेंटेटिव, तो उसे हम कंपेयर करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर कितनी सीटें कौन से ब्रांच में अवेलेबल है। टोटल की बात करें तो जनवरी सेशन 2024 की जनवरी सेशन में टोटल सीटें जो थी वो 1402 थी, 2024 की जुलाई सेशन में 1262 थी, और जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स अभी 2025 की जनवरी सेशन के लिए आई है वो टोटल 1366 है। अगर इसे ब्रांच वाइज बाइफर्केशन देखें, सभी ब्रांचेस तो नहीं बट कुछ कुछ ब्रांचेस की मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एनेस्थीसिया में जनवरी 2024 सेशन में 130 सीट्स थी टोटल, जुलाई सेशन में 2024 की जुलाई सेशन में 119 सीट्स थी, और 2025 की जो जनवरी सेशन की टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आई है उसमें एनेस्थीसिया की 134 सीट्स हैं। सो 4 सीट्स ज़्यादा हैं ऑलमोस्ट जनवरी 2024 सेशन से। कम्युनिटी मेडिसिन की जनवरी 2024 में 64 सीट्स थी, जुलाई 2024 में 53 सीट्स थी, और जनवरी 2025 की जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आई उसमें 52 सीट्स हैं। ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है, इसमें इंक्रीमेंट आपको अभी भी देखने को मिल सकती है। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो जनवरी 2024 में 33 सीट्स थी, जुलाई 2024 में 29 सीट्स थी, और अभी 2025 की जो जनवरी सेशन की सीट मैट्रिक्स आई है टेंटेटिव, वो उसमें 31 सीट्स हैं। एमरजेंसी मेडिसिन की बात करें, ये टोटल है। अब इसमें कैटेगरीज वगैरह लगेंगी, उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो एक अलग चीज़ है, बट ये टोटल है। एमरजेंसी मेडिसिन जनवरी 2024 में 39 सीट्स थी, जुलाई में 47 सीट्स हुई, और 2025 की जो जनवरी सेशन की सीट मैट्रिक्स आई है उसमें 39 सीट्स हैं। ईएनटी की जनवरी 2024 सेशन में 45 सीट्स थी, जुलाई 2024 में 42 थी, जनवरी 2025 में 45 सीट्स। फैमिली मेडिसिन जनवरी 2024 में 4 सीट्स थी, जुलाई 2024 में 10 सीट्स थी, जनवरी 2025 में 11 सीट्स। जनरल मेडिसिन की जनवरी 2024 में 103 सीट्स थी, जुलाई में 2024 की जुलाई सेशन में 99 सीट्स थी, और फिर जनवरी 2025 की जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आई है उसमें 107 सीट्स हैं। सर्जरी की जनवरी 2024 में 103 सीट्स थी, जुलाई 2024 में 94 सीट्स थी, और जनवरी 2025 की टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स में 102 सीट्स हैं। गैरेटिक मेडिसिन जनवरी 2024 में 4 सीट्स, जुलाई 2024 में 12 सीट्स, और जनवरी 2025 में 4 सीट्स। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जनवरी 2024 में 22 सीट्स, जुलाई 2024 में 18 सीट्स, एंड जनवरी 2025 में 24 सीट्स। न्यूक्लियर मेडिसिन जनवरी 2024 में 10 सीट्स, जुलाई 2024 में 13 सीट्स, जनवरी 2025 में 15 सीट्स। ओबीजीवाई जनवरी 2024 में 90 सीट्स, जुलाई 2024 में 71 सीट्स, जनवरी 2025 में 83 सीट्स। ऑप्थल की जनवरी 2024 में 68 सीट्स, जुलाई में भी 68 सीट्स थी, 2025 की जनवरी में 72 सीट्स। ऑर्थो की जनवरी 2024 में 66 सीट्स, जुलाई 2024 में 48 सीट्स, और जनवरी 2025 में 52 सीट्स। पीडिया की जनवरी 2025 में सॉरी जनवरी 2024 में 84 सीट्स, जुलाई 2024 में 76 सीट्स, जनवरी 2025 में 88 सीट्स। पैथोलॉजी की जनवरी 2024 में 82 सीट्स, जुलाई 2024 में 48 सीट्स, एंड जनवरी 2025 में 68 सीट्स। साइकेट्री की सॉरी पैलिएटिव मेडिसिन की जनवरी 2024 में 6 सीट्स, जुलाई 2024 में 6 सीट्स, जनवरी 2025 में 5 सीट्स। साइकेट्री की जनवरी 2024 में 66 सीट्स, जुलाई 2024 में 55 सीट्स, और जनवरी 2025 में 64 सीट्स। अब ये जो साइकेट्री की सीट्स हैं इसमें कुछ सीटें जो हैं वो कर्नाटका डोमिसाइल और नॉर्थ ईस्टर्न डोमिसाइल के लिए भी हैं सेक्रेटरी की, जैसे कि सेक्रेटरी की कर्नाटका डोमिसाइल के लिए 4 सीट्स तीनों ही सेशन में रही है, मतलब जनवरी 2024 में, जुलाई 2024 में, और जनवरी 2025 में कर्नाटका डोमिसाइल के लिए चार चार सीटें, फोर फोर सीट्स रही है, और नॉर्थ ईस्टर्न डोमिसाइल के लिए तीन तीन सीटें तीनों ही सेशन में रही है। पल्मोनरी की जनवरी 2024 में 5 सीट्स, जुलाई 2024 में 5 सीट्स, और जनवरी 2025 में 4 सीट्स। रेडियो की बात करें तो जनवरी 2024 में 67 सीट्स, जुलाई 2024 में 45 सीट्स, और
जनवरी 2025 में 59 सीट्स, बाकी जो ब्रांचेस है वो आप टेंटेटिव जो सीट मैट्रिक्स है उससे आप चेक कर सकते हो। तो ये जो है ये ब्रांच वाइज अभी जो सीट्स है उसकी कंपैरिजन हमने की, जिसमें 2025 में कुछ ब्रांचेस अभी फिलहाल जो हमको देखने को मिल रहा है वो जनवरी 2024 से थोड़ी सी कुछ एकाध या कुछ कुछ कम भी है, बट जैसा हमने आपको बताया कि जैसे जैसे हम NICT काउंसलिंग की तरफ बढ़ेंगे हमें फाइनल सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जाएगी और फाइनल सीट मैट्रिक्स में हमको इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, कोई भी डाउट हो क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।